उन्हें हम कहानी सुनाने न पाए, उन्हें दाग दिल के दिखाने न पाए। ये आंसू हमारे बड़े काम आए, जुबां बन गए बेजुबानी में आंसू। न समझो के आंसू है गम की कहानी, ये आंसू है उल्फत की पहली निशानी। मुकद्दर के कातिब का कितना करम है के लिखे है मेरी कहानी में आंसू। दोस्तों, मैंने हमेशा एक बात कही है कि रफ़ी साहब की खूबसूरत और भरपूर आवाज़ को साज की ज़रूरत ही नहीं थी। फिल्मी गानों में साजों का इस्तेमाल तो होता था, और अक्सर जब फिल्मों में सिचुएशन के हिसाब से उनकी आवाज़ में कोई टुकड़ा या कोई गाना रिकॉर्ड हुआ तो उसमें वही जाज़बियत, वही चाशनी और वही मधुरता सुनने को मिली। पिछले वीडियो में मैंने बरसात की रात के लिए रिकॉर्ड किए जाने वाले गाने का जिक्र किया था जो बिना किसी साज के था। एक शम तमन्ना साथ तो है, कुछ और सहारा हो के ना हो, हाथों में तुम्हारा हाथ तो है। क्या गम जो अंधेरे हैं रातें। और आज फिर एक बार मैं ऐसे गीत का जिक्र करने जा रहा हूं जिसमें साज तो नहीं पर वही हसीन अंदाज और वही मीठी आवाज सुनने को मिलती है। 1965 में एक फिल्म रिलीज हुई, नया कानून। उसे लिखा और डायरेक्ट किया था आरसी तलवार ने, और उसके अदाकार थे अशोक कुमार, भारत भूषण, विजयंती माला, ओम प्रकाश, निशी, बद्री प्रसाद, पूर्णिमा और लीला मिश्रा वगैरह। यह फिल्म कानूनी दावपेच के गिर्द घूमती है और आम फिल्मों से जरा हटकर इस फिल्म की स्टोरी थी। नया कानून का संगीत दिया था मदन मोहन जी ने और गीत लिखे थे किंग ऑफ रोमांस हसरत जयपुरी साहब ने। प्लेबैक सिंगर्स थे मोहम्मद रफी साहब और सतरंगी गायिका आशा भोसले जी। यूं तो फिल्म के सारे गाने हसरत जयपुरी जी ने ही लिखे थे, पर एक गाना जो राखी पे आधारित था उसे लिखा था सरस्वती कुमार दीपक जी ने। बकिया गानों में शम्मा में ताकत कहाँ जो एक परवाने में है एक इंतहाई खूबसूरत नगमा जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया, लीजिए दिल का नजराना, लीजिए आँख का शुक्राना, रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ों में। आँख में रहते हैं वो आशा जी की आवाज़ में, मेरी रसिया और मेरी राखी की रखियो लाज, ये दोनों गीत भी आशा जी की ही आवाज़ में। आशा जी की आवाज़ में वो नगमा भी था जिसका जिक्र आज मैं करने वाला हूँ, लेकिन वो नगमा जिसका जिक्र मैं करने जा रहा हूँ बिना संगीत के है और रफ़ी साहब की आवाज़ में है, जबकि यही गीत आशा जी की आवाज में पूरे साज के साथ है। उन्हें किस्से हूँ मेरा दर्द उल्फत, उन्हें खींच लाया नजर जो उठाई तो वो सामने थे। इस फिल्म में एक और गीत भी शामिल था जो रफी साहब की आवाज में है, बोल हैं कुछ ऐसी प्यारी शक्ल मेरे दिल रुबा की है, जो देखता है कहता है कुदरत खुदा की है। इस गीत में रफी साहब की शोखी और हुस्न को बयान करने का अंदाज मुलाहजा कीजिए। तो सुनिए वो नगमा जिसको सुनाने के लिए मैंने आपको बहुत इंतजार करवाया, लेकिन कहते हैं ना कि लुत्फ जो उसके इंतजार में है वो कहाँ मौसम बहार में है। तो आइए
हम आज आपको फिल्म नया कानून के इस गीत को पूरा सुनवाते हैं, जिसे लिखा था हसरे जयपुरी साहब ने, संगीत से संवारा था मदन मोहन जी ने और आवाज से सजाया था मोहम्मद रफी साहब ने, और वो भी बिना साज के। तो लीजिए, लुत्फ लीजिए इस नगमे का। उन्हें किस्साए गम जो लिखने को बैठे तो देखे कलम की रवानी में आंसू, ये अनमोल तारे ये उल्फत के मोती, उन्हें हमने भेजे निशानी में आंसू, उन्हें हम कहानी सुनाने न पाए, उन्हें दाग दिल के दिखाने न पाए, ये आंसू हमारे बड़े काम आए, जुबां बन गए बेजुबानी में आंसू, न समझो के आंसू है गम की कहानी, ये आंसू है उल्फत की पहली निशानी, मुकद्दर के कातिब का कितना करम है के लिखे है मेरी कहानी में आंसू, उन्हें किस्साए गम जो जमाने में तकदीर सबकी जुदा है, तुझे कुछ मिला है मुझे कुछ मिला है, उधर है तेरी जिंदगानी में खुशियाँ, इधर है मेरी जिंदगानी में आंसू, उन्हें किस्साए गम जो लिखने को बैठे तो देखे कलम की रवानी में आंसू। आशा जी की आवाज में वो नगमा भी था। ये अनमोल तारे उल्फत के मोती, उन्हें हमने भेजे निशानी में आंसू। नया कानून के इस गीत को प्रस्तुत करने के लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं हमारे खास दर्शक युजय दत्त भैरव जी का, जिन्होंने हमारा ध्यान इसकी तरफ आकर्षित किया। हम आप लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि अगर आपके पास इस तरह की दुर्लभ जानकारियां जिनका ताल्लुक फिल्मी गीतों, फिल्मों या फिल्मी हस्तियों से हो तो हमसे ज़रूर शेयर करें। बस इतना ख्याल रखें कि वो जानकारियाँ ऑथेंटिक होनी चाहिए। और अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।